आईपीएल 2024 चल रहा है और अब तक मिड आईपीएल में ही हमने वो सब कुछ देखा जो इससे पहले किसी भी आईपीएल में नहीं हुआ। डेली रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, और कल हुए केकेआर और पंजाब के मैच में तो गजब ही हो गया। केकेआर ने 261 बनाया और पंजाब ने इजिली जीत लिया। पूरे मैच में लगा ही नहीं कि 261 रन का चेज किया जा रहा है। आईपीएल 2024 से पहले आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड आरसीबी के पास था 263 रन का, जिसे पिछले 10 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था। उसी रिकॉर्ड को इस आईपीएल में अकेले एसआरएस ने 3 बार तोड़ा, केकेआर ने 2 बार और पंजाब ने 1 बार। मतलब इसी आईपीएल में वो रिकॉर्ड 5 बार टूट चुका है, और अभी तो हाफ आईपीएल होना बाकी है और अब लोग 300 रन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि आईपीएल 2024 इतना हाई स्कोरिंग कैसे हो जा रहा है, और इतने हाई स्कोरिंग मैचेस से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो जल्दी से जानेंगे इसके पीछे की वजह। वीडियो कंप्लीट देखना और देखते देखते लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। हाई स्कोरिंग मैचेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार पिचेस को ज़्यादा हार्ड एंड फ्लैट बनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर जगह T20 लीग्स होने लगी हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, CPL, पाकिस्तान सुपर लीग, साउथ अफ्रीका, दुबई, बांग्लादेश, हर जगह होने लगे हैं और साल भर होते हैं। मैच में जितने ज़्यादा चौके छक्के लगते हैं उतना ही एंटरटेनिंग हो जाता है, इसीलिए पिचेस को बैट्समैन के फेवर में बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा ऑडियंस और ज़्यादा कमाई। तो इसी चक्कर में BCCI ने सभी IPL पिचेस को कुछ ज़्यादा ही फ्लैट एंड हार्ड बना दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर लखनऊ और गुजरात के पिचेस थोड़ा स्लो थे, रन कम बन रहे थे, इन टीम के मैचेस में ऑडियंस भी कम हो गए थे। सेकेंड पॉइंट है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जो कि लास्ट ईयर से IPL में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे अब मैच में 11 नहीं 12 प्लेयर्स खेलते हैं और अब टीम्स के पास 8वें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, जिससे प्लेयर्स अब खुलकर फर्स्ट ओवर से ही बड़े शॉट लगाने लगते हैं। पहले क्या था कि 2-3 विकेट गिर गए तो टीम विकेट बचा कर खेलती थी तो कम रन बनते थे, अब विकेट बचाने की टेंशन ही नहीं रहता तो बस हिट करते जाओ। थर्ड पॉइंट, स्मॉल बाउंड्रीज। इंडिया में कई ग्राउंड्स हैं जहां बाउंड्रीज 60 से 65 मीटर्स तक हैं, जिसकी वजह से जो शॉट कैच में हो सकता था वो सिक्स में हो जाते हैं, जिससे बॉलर्स के पास बहुत रिस्क लेने का ऑप्शन ही नहीं रहता। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी यही बोला कि बाउंड्री के जो रोप है उनको 2-3 मीटर्स तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे मैच में बैट एंड बॉल में बैलेंस बना रहेगा। आर अश्विन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को उठाया कि सेव द बॉलर्स। जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज ने भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल पे अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। रोहित शर्मा ने भी एक पॉडकास्ट में चिंता जताया कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल से ऑलराउंडर की वैल्यू कम हो गई है, जिससे इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेयर्स आने के बाद जो ऑलराउंडर्स हैं उनको बॉलिंग का चांस ही नहीं मिलता। तो क्या हाई स्कोरिंग मैचेस होना सही है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2013-14 के टाइम मुझे एक मोबाइल गेम टेम्पल रन खेलना बहुत अच्छा लगता था, जिसमें एक इंसान के पीछे एक भालू जैसा कुछ भागता रहता था उसे पकड़ने के लिए। उसमें ज़्यादा स्कोर बनाने के लिए आपको कीज गेन करने पड़ते थे। फिर एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने उसमें कुछ किया और मेरे पास अनलिमिटेड कीज हो गए। मैं बहुत खुश हो गया कि अब मैं उसमें किल नहीं हो पाऊंगा। मैंने गेम खेला और सभी रिकॉर्ड्स तोड़े, क्योंकि अब मैं उसमें किल नहीं हो सकता था। एंड बिलीव मी, उस दिन के बाद से उस गेम में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा और फिर मैं वो गेम कभी नहीं खेला। ठीक वैसे ही क्रिकेट तभी तक इंजॉयबल रहेगा जब तक इसे बैट एंड बॉल का जो टफ कॉन्टेस्ट है वो बना रहेगा। 2022 का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली की वो 3 सिक्सेस सभी को याद होंगे, क्योंकि उस मैच में रन इजिली नहीं बन पा रहे थे और ऐसे टाइम में कोहली ने सिक्सेस लगाए थे जो लोग सालों तक याद रखेंगे। लेकिन कल हुए KKR और पंजाब में किसने कितना सिक्स लगाया कोई ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि अब 200 रन 16-17 बॉल पे 50s बहुत कॉमन हो गए हैं। सो आई होप BCCI ये चीज़ समझेगा और क्रिकेट में बैट एंड बॉल का जो टफ कॉन्टेस्ट है उसको बचाने के लिए सोचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। जय हिंद।